हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जशी टेरेड। और आप सभी पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और बिल्कुल होप रखें। अपने होप को, अपने फेथ को जो है डगमगाने ना दें। आई नो कभी रिजल्ट फास्ट मिलते हैं, कभी स्लो मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, बट हमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के जो हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं छिपाने की, उनकी हिडन फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं आपके लिए जानने की हम कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला जो वर्ड है, कार्ड है, वही आ गया 9 of Pentacles एंड 5 of Wands। क्वीन ऑफ वॉन्ट, ओके, लगता ही था कि कुछ ऐसा कार्ड आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ट, ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा फायरी एनर्जी वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो और सजिटेरियस के पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड, 4 of Cups, 7 of Wands, अगेन वॉन्ड की एनर्जी आ गई है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर जो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। बाकी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी यहाँ पर है। वैसे तो मैं ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने लोगों के लिए है, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आप उनकी विश लिस्ट में शायद पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर हो, जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में आप हैं, ये पक्का है। ऐसा नहीं कि आप उनकी लिस्ट में नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा पर्सन मुझे इग्नोर करता है, मैं तो कहीं मायने नहीं रखती हूँ या रखता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे कहीं पे स्टैंड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको ज़रूर याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। उनकी जो छुपी हुई भावनाएं हैं वो आपको जाहिर नहीं करते हैं कि वो आपको मिस करते हैं, या आप उनके दिल में हैं या आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। बहुत 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 ज़्यादा वो आपको हर वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, हर वक्त आपके लिए, आप प्रेयर में आपके लिए मांगते हैं, आपको मांगते हैं, विश करते हैं कि मेरा पर्सन मुझे वापस मिल जाए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो कोई दो राय नहीं कि वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करते, डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट करते। साथ ही साथ उनके पास जो बर्डन्स हैं, जो प्रेशर है उनकी लाइफ में, कुछ उनका फाइनेंस हो सकता है जहाँ पर मैक्सिमम, क्योंकि फायर आया हुआ तो काम जो है उनका यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, काम का लोड उनके ऊपर ज़्यादा है, उनकी करियर जो है उसका लोड ज़्यादा है। जो भी सिचुएशन है, जॉब, करियर, फाइनेंस सिचुएशन जो भी है, सेट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, चैलेंजेस बहुत फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग उनको उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि सेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, इस तरीके की बातें हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनके दिमाग पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी वो आपसे छिपाते हैं कि देखो मैं कितना परेशान हूँ। यस, आपके परेशान जो है मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उनके सामने क्लियर जो है सिचुएशन नहीं है, डिस्टर्ब हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बाकी चीज़ों को हैंडल करके करना चाहते हैं, जो कि आपसे नहीं बताते हैं कि देखो मैं ये करता हूँ या करती हूँ। आपको ऐसा लगता हो कि इनको बस अपने काम का पड़ा है, तो ऐसा नहीं, वो अपने काम और अपने रिलेशनशिप दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहते हैं, दोनों को ही मैनेज करके चलना चाहते हैं। पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति और अपने रिलेशनशिप के प्रति, पूरी तरीके से समर्पित हैं, पूरी तरीके से बहुत फास्ट चीज़ें चाहते हैं करना कि मेरे सिचुएशन जो भी है यहाँ पर, काम है, मेरा रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। ये आपसे नहीं बताते हैं कि देखो मैं कितना काम, मतलब जो एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपसे छुपाते हैं, आपसे नहीं बताते होंगे, आपसे नहीं जाहिर करते होंगे, या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आप जान नहीं पाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं कर रहा, बैठा है, बैठी है, ये है, वो है, एफर्ट्स नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपके पर्सन काम भी कर रहे हैं, मैनेज करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत फास्ट सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं बट नहीं हो रही, और ये सारी बातें आप किसी से नहीं बताते हैं, वो छिपा कर रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मैं क्या काम कर रही हूँ या क्या काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अभी कोई उनके लाइफ में एंटर नहीं किया है आपके अलावा। अगर आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, जो थर्ड पार्टी में नहीं है सिर्फ उनके लिए ये बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मुझे भूल गया है, तो नहीं, बिल्कुल भी भूला नहीं है, आपका पर्सन आपके ही हैं। अभी कोई भी उनकी लाइफ में अगर आ भी रहा है, आने की कोशिश भी कर रहा है, तो भी आपके पर्सन का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और आपको यही बात वो आपसे छिपाते हैं कि देखो नहीं मैं, आपको जताते नहीं हो कि देखो यार मैं तुमको ही अभी भी याद करता हूँ, मैं तुमको भी अभी भी मिस करता हूँ, तुम्हारे ही दिल, मेरे दिल में तुम्हारी ही जगह है,
और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी सामना करते हैं, वो भी यहाँ पर छिपाते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड और सेवन ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है, तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं आपके पर्सन के लाइफ में, करंट सिचुएशन में, जो कि वो आपसे छिपा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, परेशानियाँ, कॉम्पिटिशन, प्रेशर और लोगों के ताने, लोगों की बातें, यहाँ पर ऑफिशियल में कुछ ताना कसी होना या बुली करना, या ऐसा हो सकता है कि लोग परेशान करते हों, निकालने की कोशिश करते हों, क्योंकि करियर मुझे यहाँ पर ज़्यादा मैसेज दे रहा है करियर का उनका, तो वो इन चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी बातें आपसे छिपा रहे हैं कि देखो मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो मेरी डिस्टर्बेंस से भरी हुई है, ये बात आप तक नहीं आने देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं इन बातों को आपसे बहुत दूर रखना चाह रहे हैं कि देखो मेरी जो मटीरियल चीज़ है, मेरा जो सिचुएशन है वो मैं आप तक नहीं पहुँचा रहा हूँ, ये मेरे तक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लियर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, वो ढूंढ रहे हैं, वो पाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी उनको लोगों की बातें सुननी पड़ती होंगी, आपके लिए सुननी पड़ती होंगी, उनके पर्सनल चीज़ों के लिए सुननी पड़ती होंगी, जिसकी वजह से उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता होगा, वो याद में चले जाते होंगे, वो आपको याद करने लगते होंगे, याद कर करके हो सकता है वो अपने आप को अकेलेपन में भी लेके चले जाते हों और उनका मन ना करता हो किसी से बात करने का। तो ये सारी बातें हिडन हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स में हैं जो शायद आप तक नहीं आ पाती होंगी। आपको लगता हो कि नहीं यार, वो तो बिल्कुल घूम रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बट ऐसा नहीं। उनके ऊपर प्रेशर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, उनके करियर को लेकर, उनको उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करने को लेकर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है मुझे। साथ ही साथ यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ में भी दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो माइंड है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट चाहते हैं कि मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास जो मोमेंट हैं वो ठहर जा रहे हैं, और कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हो जा रही हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो जा रही हैं, जो कि वो सोचते भी नहीं होंगे, वो सडन से उनकी लाइफ में हो जा रही, जिससे उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा, जिससे उनको सिचुएशंस को हैंडल करने पड़ रहा जो कि हैंडल नहीं हो पा रही। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन का आपसे बात करने का मन बहुत है, कम्युनिकेशन का भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये बात भी आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मन बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे बात करें, आपसे बात करके अपने दिल की बात कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कदम को पीछे खींच ले रहे हैं। उनका मन जो है आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब है, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही, तो अभी उनको बैलेंस करने के लिए जी जान लगा रहे हैं और यही सारी बातें वो आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, आपको ही याद करते हैं, आप ही उनके दिल में हैं, आपको ही मैनिफेस्ट करते हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, आपको ही साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये सारी बातें भी आपके पर्सन यहाँ पर आपसे छिपाते हैं या छिपा रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन के कुछ हिडन फीलिंग्स हैं जो कि वो आपसे नहीं जाहिर करते हैं या आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ और है, लेकिन कहानी कुछ और है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।